नमस्ते की इंडिया, नमस्ते महाराष्ट्र। मैं बलराम किशान बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ और अभी हूँ वडाली गांव में, शहादा तहसील में, और कुछ फार्मर है। गोस्वामी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हम कहाँ पर हैं गोस्वामी जी, और क्या दिखाने आप लाए हो? हम वडाली गांव में, शहादा तहसील के अंदर। हाँ, और आप, हमारा भी केला कट गया है। 70-30 फॉलो किया है आपने? 70-30 फॉलो किया है और केला पूरा कट गया है, लेकिन आप ऐसे समय पर आए तो फिर भी हरे पत्तों की संख्या और लाम की हाइट दोनों दिखेगी। 7x5 का रहने के कारण, 7x5 का जो ग्राफ है उसके कारण अभी भी मेरे खेत में भाई कौन बोलता है कि भाई आपका माल कटा है? नहीं, अभी चालू हुआ क्या? पत्तों की संख्या एकदम हरी है, माल तो पूरा कट गया, लेकिन पत्तों की संख्या पूरा हरा पत्ता है, वो दिख रहा है हरे पत्तों की संख्या। पूरे फील्ड में ऐसा लगता नहीं है कि पत्ते सूख रहे हैं। आइए देखते हैं, पील भी छोड़ दिए। वो दिख रहा है ना, पील का साइज आप आइए दिखेगा यहाँ पर। हाँ, ये आपके बराबर पील हो गया है। हाँ, अब साइड में आओ ना तो दिखेगा कितना साइज है उसका। यस, 6 फीट तो आ भाई भाई ये आपके बराबर पील हो गया है। मतलब वो पौधा है ना 15 फीट का होने वाला है। बराबर है मालूम है सर? ये देखो, आप इधर देखो, ड्रिल किया है। ये जो है ना सर, इसमें मैंने वो बारामती का जो कपिल जातक है ना, उनका मैंने देख के इसमें ना काट के इसको ड्रिल मारा है। मैंने ड्रिल मारा है और ड्रिल मारने के बाद उसमें यूरिया डाला है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा यूरिया डाला है उसके अंदर, तो पूरा का पूरा अंदर वो चोकिंग हो जाता है। ये निकल नहीं रहा सर, अभी ये देखो जल गया, निकलेगा भी नहीं, ये जल गया पूरा। अब ये दूसरी बार इसकी कटिंग करेंगे ना। आपने वैसे ही किया है ना, ये एक में पूरा ड्रिप का पानी आ रहा है और ये एक सूखा सूखा, एक सिंगल है सर, लैटरल सर, डबल नहीं, 4 लीटर वाला है सर। लैटरल डाली है, पैसा नहीं था सर, पिछले एक साल से ना जरा तकलीफ हो गई थी। अरे भारत में 6 महीने में केले की कटिंग आने वाली है, आप सभी तैयार हो जाओ। हर 6 महीने में केले की कटिंग आने वाली है। जिसको अभी और सीखना हो, समझना हो, थोड़े समय के बाद आपके खेत में आएगी, लेकिन जिन्होंने किसान पाठशाला के साथ समय बिताना चालू कर दिया, उनके यहाँ पील की हाइट अभी माल कटा है, पत्ता हरा है, नीचे का पत्ता हरा है और पील का साइज मेरे बराबर है, लाम का मेहनत है। और एक 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 जैसा है सर, पील भी देखो एक जैसा है पूरा, एक जैसा राइट। तो ये कैसा सर, मालूम है कोई अपना भी एडॉप्टेशन करे भाई, मेरा भी मेरे को कैसा लगता है, कुछ ना कुछ करे भाई अपन। मेरे छोटे भाई है, डॉक्टर है, पीछे प्रैक्टिस करते हैं, वो बोले बलराम जी आए जो मैं कब बोला यार, बोले मैं पिछले साल से उनको फॉलो कर रहा, बोले यूट्यूब पे देखो आयशा अभी इनके भाई वकील है, मेरे भाई डॉक्टर है, उनको हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ जुड़े हैं, मगर क्या है अननोन है, तो चीजें रहती, मगर क्या है समय रहता है। ये देखो सर, अभी देखो सर, अभी है ना कितना महीना सर मालूम है, मैंने इसको लगाया है, मैंने 1 जून को लगाया है मैंने पिछले साल, 1 जून का प्लांटेशन किया है, 1 जून का प्लांटेशन है, अभी 1 जून आया नहीं है, 1 जून नहीं आया है ना, अभी 10 महीने में पहली कटिंग हो गई। और अभी देखो ये इसका देखो, ये पांडु भैया बोले ज्यादा हाइट हो रही, बोले नहीं ना सर बराबर है ना, ये थोड़ी सी नोड इंटरनोड है, फिर क्या करना है इसको? अभी आपका पूरा माल कट गया है क्या? कट गया या बचा है? नहीं कट गया, थोड़े से दो तीन सौ बाकी, नहीं नहीं 200-300 बाकी सर, नहीं नहीं इसको पत्ते कितने हैं ये इससे ज्यादा कम मत करना। हाँ। जो ज्यादा पत्ते हैं उनको निकाल सकते हैं, ये नीचे वाले एटलीस्ट ऊपर के 3 पत्ते चाहिए ताकि अभी अप्रैल चल रहा है, इसको धूप लगेगा तो ये इसकी ऑटोमेटिक हाइट पर धूप लगेगा ना, तो इसकी हाइट रुकेगी और चौड़ाई पर जाएगा, और ये पत्ते ऑलरेडी चौड़े होने लग गए, लेकिन और फिर अगला पत्ता चौड़ा आएगा। तो मेन जो स्टंप है इसके 3 पत्ते रखो, अच्छा। बाकी के निकाल दो, निकाल दो, ताकि पूरे भी निकाले तो ये स्टंप सड़ के खत्म होगा, उसकी बजाय उसको नेचुरल रिवर्स लेना है, रिवर्स लेना है, और पूरी धूप नहीं आना चाहिए वरना ये जलेगा। सही है सही है, इसलिए 3 पत्ते रखो, 3 पत्ते रखो। हाँ। ऊपर के खाली 3 पत्ते, ऊपर के 3 पत्ते बराबर, जैसे इस पौधे में है ना। हाँ। इस टाइप से 3 पत्ते चाहिए, 3 पत्ते आपके पूरे प्लॉट में बहुत अच्छी ग्रीनरी है, लगभग ज्यादा पत्तों की संख्या है, अच्छा मेंटेन है। अभी इससे 20% हाइट इसकी ज्यादा जाएगी, वही बोल रहा मैं, आप ये जो फॉलो कर रहे हो ना कचरा मल्चिंग, इससे 20% उत्पादन इसका ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी पील का। सर ये पहला ज्यादा मेरा हाइट नहीं हुआ सर पहली बार में। हाँ सर, इतने साल है ना, धूप भी ज्यादा थी सर कंटिन्यू, ये हाइट नहीं, फर्टिकेशन नहीं किया सर, कुछ फर्टिकेशन नहीं है सर,
120 रुपए पौधे का खर्चा करते ना, और उसमें 70-30 फॉलो करने वाले किसान बोलते हैं कि मैंने कुछ फर्टिगेशन नहीं किया, तो उनको ऐसा लगता है ये बेवकूफ बना रहे। नहीं सर, इधर मैंने वैसा कुछ नहीं है। इधर है ना सर, मैंने 6 डोज दिया है सर इसको, बेसल 6 चलवा है इसको, बीच में एक बार बारिश आ गई। खर्चा कितना आया होगा ये मैं बोलता हूँ, ड्रिप अगर छोड़ दिया तो छोड़ना है वो पंचवर्षीय योजना का खर्चा है, इसको 70,000 तक मेरे को खर्चा आया है पर एकड़, एकड़ में। और एकड़ में पौधे की संख्या 1250 है, 1240 और 4 ऊपर है ऐसा है तो नहीं, ये ज्यादा है सर, 7x5 है सर ये। इसका कारण बताता हूँ सर मैं, ये जो मैंने लगा है सर, ये ड्रिप है ना सर, चौथे नंबर के ड्रिप पर लगाया मैंने इसको, लगाते वक्त 1.25 फुट का उस तरीके से। हाँ, क्यों मालूम है सर, धूप के दिन में ना उसको ना पानी की जरूरत होती है। 36.75 स्क्वायर फीट है, 43,000 450। ये आपके पौधे की संख्या आएगी 43,560 भागित 36.75, तो आपके 1185 पौधे। 1185 में सर मेरे को कम से कम 22-23 टन माल निकल गया सर एकड़ में से। अच्छा, थोड़ा तक, कम निकला वो हिसाब से, कम निकला यानी पौधे के हिसाब से बराबर है ना, बराबर रास नहीं बैठी ना सर अपने को, है ना, वो भी फॉलो करना है सर आगे। आपका 58 रूपए पर पौधे का खर्चा है। हाँ, मैं बोला सर 70 के लगभग जाऊंगा भाई, 58 रूपए का। हाँ, और ये दूसरा है सर, ये बंच इंगेशन वगैरह ये अलग है सर, इसका खर्चा तो वो आपका 70 तक पहुँचा, 10 रूपए का खर्चा है वो, आराम से जाएगा 10-12 रूपए का। और वो दो मैं 70 रूपए बोला आपको ना, ये आने वाले साल में ये ठीक है, अभी पौधे का तो लेट हो गया, बाकी लोगों के बुक हो गए, बाकी जो डाइवर्ट होंगे हम आपकी तरफ डाइवर्ट करवा देंगे, मगर कम से कम बोल रहे हैं आप भाई और हम 5 लाख पौधों को तो आपके ट्रीटमेंट में, और 5 लाख पौधों का आपने को एक्सपोर्ट करवाना है, करवाना है, ये टारगेट एक ही साल में अचीव करना है अपने को, और आपके माध्यम से ना अगले साल बिल्कुल हो जाएंगे, मतलब आइए देखते। बराबर है सर, मैनेजमेंट बराबर है सर मेरा। हम्म।